गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हो कि कॉस्मेटिक शॉप की लिस्ट दे दीजिए, न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोलने जा रहे हैं। लिस्ट के लिए आप हमेशा मैसेज करते हैं, जैसे कि इन्होंने मैसेज किया था मुझे, कमेंट्स किया था। तो आप लोगों को आज मैं पूरी लिस्ट देने वाली हूँ जो कि श्रृंगार का सामान की सारी लिस्ट देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं या खोलने के लिए सोच रहे हैं तो यही सही टाइम है आप कॉस्मेटिक शॉप खोलने का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा सेल होगा। फेस्टिवल शुरू हो गए हैं तो यही सही टाइम है कॉस्मेटिक शॉप खोलने का। सो कॉस्मेटिक शॉप अभी खोल लेते हैं तो काफी लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। कॉस्मेटिक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हर आइटम पे आपको डबल मार्जिन मिलता है। करवा चौथ में आप पूरे साल का प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक ही फेस्टिवल में अगर आप न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोल लेते हैं तो आपकी शॉप पर काफी सेल होने वाली है और काफी कस्टमर आने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर बन जाते हैं। इसी टाइम है जो कि आप कॉस्मेटिक शॉप खोलेंगे, जैसे कि करवा चौथ है, करवा चौथ से पहले ही आप कॉस्मेटिक शॉप जरूर है खोलना। कस्टमर बनाने का अपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप पे यही सही तरीका है और लाखों रुपए कमाने का, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, न्यू कॉस्मेटिक शॉप पे जल्दी नहीं आते। जो फेस्टिवल पड़ते हैं तभी कस्टमर क्या होता है, सामान लेने के लिए जाते हैं और वो आपकी शॉप पर जरूर आते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि हर जो शॉप है उसमें सब में भीड़ होती है फेस्टिवल के टाइम पर। तो ये सही टाइम है, आप कॉस्मेटिक शॉप जरूर खोलिए। इस टाइम पे आपकी कॉस्मेटिक शॉप काफ़ी चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यही सही मौका है क्योंकि फेस्टिवल जो कि है बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि अभी नवरात्र शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर दिवाली शुरू हो जाएगी, फिर करवा चौथ, मतलब बहुत सारे इस बीच में बहुत सारे मतलब ये हैं फेस्टिवल पड़ेंगे। तो इससे पहले ही आप कॉस्मेटिक शॉप जरूर खोल लीजिए। बातें ना करते हुए चलिए लिस्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपको ए टू जेड लिस्ट देने वाली हूँ जो कि कॉस्मेटिक शॉप पर आप जरूर रखिए। श्रृंगार का सारा सामान मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे सामान बेचना है जो कि डेली सेल होंगे, तो वही मैं आपको देने वाली हूँ पूरी लिस्ट। तो पूरी लिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप है ना लिख सकते हैं, दो काम कर सकते हैं आप। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट, वीडियो जब चलती है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उस टाइम पे भी आपको आप उसे भी देख करके सामान ला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब मैं आपको सारी लिस्ट दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट बनानी है आपको, क्या क्या लेना है आपको अपनी कॉस्मेटिक शॉप में रखना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये सारी मैंने कॉस्मेटिक की लिस्ट बना दी है जो कि ए टू जेड कॉस्मेटिक लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट मतलब आपको है ना ये सारे सामान अपने कॉस्मेटिक शॉप पर रखना है जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सेल होते हैं, तो इन्हें ज़रूर कॉस्मेटिक शॉप पर रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। क्या क्या सेल होते हैं मैं सारी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले नेल पेंट की वैरायटी आती है जो कि अब जो कि कॉस्मेटिक शॉप पर सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं वो क्या है, नेल पेंट की वैरायटी सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, क्योंकि अब ये नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो नवरात्रों में क्या होता है, श्रृंगार का सामान ज़्यादा बिकता है। तो न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं तो अभी से अगर आप सामान श्रृंगार का रख लेते हैं तो आपकी काफ़ी सेल होने वाली है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सारी जो कि है प्राइस के नेल पेंट लिख रखे हैं, क्या आपको पड़ेगा और क्या आप बेचेंगे सेल करेंगे सारा लिखा हुआ था, क्योंकि न्यू कस्टमर मतलब न्यू दुकानदार को नहीं पता चलता कि हम कितने का लेकर आएंगे और कितने का बेचेंगे। तो मैं सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कितने का लेकर आएँ और कितने का बेचें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये नेल पेंट जो कि है 5 रुपये की आपकी जो खरीद पड़ती है आप 10 रुपये की उसे सेल करिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 रुपये वाली लेके आते हैं उसे 20 रुपये में सेल करिए, 20 वाली लेके आइए 40 में सेल करिए, 25 वाली ले गई है 50 में सेल करिए, ठीक है। आपको ये इतने ही प्राइस का नेल पेंट आपको अपनी शॉप पर रखना है, इससे ज़्यादा कॉस्टली प्राइस का मतलब बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि वो सेल नहीं होता इस टाइम पे। तो अगर आप है ना जब करवा चौथ से पहले की लिस्ट बना दूंगी जो कि सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो भी बता दूंगी, और जो कि श्रृंगार का सामान सबसे ज़्यादा बिकता क्या है नवरात्रों में वो भी बता दूंगी मैं आपको, वो भी लिस्ट बना के दूंगी। पर अभी जो कि न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हो इसमें आपको क्या क्या सेल करना है अभी इस टाइम पर, ये मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेल पेंट की सारी वैरायटी बना रखी है, सारी रेंज बना रखी है कि किस किस रेंज में आपको लाने हैं, तो इस रेंज में लेके आके इस रेंज में आपको बेचना है। उसके बाद में यहाँ पे लिपस्टिक की है वैरायटी, लिपस्टिक में भी आपको 5 वाली 10 वाली 20 वाली अपने जो कि अपना रेट लेके आना है, 25 वाली लेके आनी है अपने रेट पे, और 10 रुपये और 20 रुपये 40 रुपये और 50 रुपये कस्टमर को सेल करना है। तो ये यहाँ पर बना दिया है मैंने। यहाँ पर काजल जो लेके आने हैं आपको 5 रुपये वाले 10 रुपये वाले 25 वाले लेके आने हैं, जो कि 10 20 25 का जो आपको मतलब 50 रुपये में सेल करना है आपको। सिंदूर 5 वाले 10 वाले 25 वाले लेके आइए, और यहाँ पे जो भी आपको सेल करने हैं डबल करना है इसका, ठीक है ना, 10 और 20 और यहाँ पे 50 वाले जो सेल करने हैं।
उसके बाद यहाँ पे फैंसी बिंदी ला सकते हैं, फैंसी बिंदी 2 रुपए वाली भी होती है, स्टिकर वाली जो फैंसी बिंदी होती है उन्हें लेके आइए, 5 में बेचिए उन्हें, 10 वाली लेके आइए उन्हें, 5 वाली लाइए 10 में बेचिए। यहाँ प्लेन बिंदी लेके आइए, प्लेन बिंदी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो प्लेन बिंदी लाल मेहरूम और मल्टी कलर जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो उन्हें आप अपने कॉस्मेटिक शॉप पर रखिए। उसके बाद में उसमें सारे साइज आते हैं, छोटे से बड़े साइज सारे आपको साइज रखने हैं प्लेन बिंदी में। उसके बाद महावर ले लीजिए, जो कि महावर आलता जिसे बोलते हैं, जो कि लेडीज़ पैर में लगाती हैं, उन्हें भी आप रख लीजिए। सीसा रख लीजिए, सूखा सिंदूर रख लीजिए, 5-5 रुपये की डब्बी आती है जो कि आपको 2.5 रुपये की पड़ती है, जो कि 30 रुपये का डब्बा पड़ता है, आप उसे 60 में मतलब एक एक जो पीस है उसे 5 रुपये में आप सेल करते हैं, वो एक पीस आपको 2.5 रुपये का पड़ता है सिंदूर, सूखा सिंदूर, तो वो आप ला सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। कंगा ला सकते हैं, ज्वेलरी ला सकते हैं, ज्वेलरी के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो ज्वेलरी में आप सारे जो कि मैंने पीछे भी बता रखा है कौन कौन से ज्वेलरी होती है, वीडियो पूरी ज्वेलरी के ऊपर बना रखी है, ठीक है, आपको दिखाया हुआ है, उस वहाँ से भी देख सकते हैं ज्वेलरी का आइटम। उसके बाद बिछिया ले सकते हैं, पेजेब ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, फैंसी फैंसी गर्ल्स रिंग्स, लेडीज़ रिंग्स, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की रिंग्स आती हैं वो ले सकते हैं, मंगलसूत्र ले सकते हैं, न्यू डिज़ाइन के मंगलसूत्र निकल रहे हैं, वो अपने कॉस्मेटिक शॉप पर जरूर रखिए, क्योंकि करवा चौथ से पहले ही आप कॉस्मेटिक शॉप पर रखेंगे तो 1-2 महीने पहले ही सामान है ना बिकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इयरिंग्स, फैंसी फैंसी इयरिंग्स, जो डिजाइन वाली इयरिंग्स, नंग वाली, स्टोन वाली इयरिंग्स आप लेके रखिए। उसके बाद चूड़ा रख सकते हैं, जो कि कॉस्मेटिक शॉप पे सबसे ज़्यादा चूड़ा भी बिकता है। चूड़ियाँ प्लेन रख सकते हैं, प्लेन चूड़ी में सारे साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे साइज़ कौन कौन से बनाने हैं आपको, जैसे कि प्लेन चूड़ी में आपको साइज़ है जो कि 24, 26, 28 सबसे ज़्यादा बिकता है, 22 साइज़ नहीं बिकता ज़्यादा, इसको मत लेके आइएगा, और 31 साइज़ नहीं बिकता, इनको मत लेके आइएगा। फैंसी चूड़ी में सेम साइज़ रखने हैं, जो कि फैंसी चूड़ी भी ऐसी सेम साइज़ में बिकती है। उसके बाद बात करते हैं वेलवेट चूड़ी की, सेम साइज़ ये भी लेके आने हैं आपको, जो कि आपके वहाँ पे आपको देखना है कि क्या ट्रेंड में चल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना रख सकते हैं। पहले न्यू कॉस्मेटिक शॉप पर पहले इतना सामान लेके आइए, फिर उसके बाद अपने कस्टमर को देखिए कि वो क्या डिमांड करते हैं, उस हिसाब से अपने कॉस्मेटिक शॉप पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेन कड़े भी आपको यही सेम मतलब साइज़ लेके आना है, फैंसी कड़े जो आते हैं वो भी सेम साइज़ लेके आने हैं। यहाँ पे बात करते हैं अंडर गारमेंट्स की, अंडर गारमेंट्स में आपको क्या करना है कि कॉटन ब्रा जो लेके आना है, साइज़ क्या होते हैं उनके बता देती हूँ आपको, 28, 30, 32, 34, 36 और 38, 40 यही जो सबसे ज़्यादा साइज़ बिकते हैं कॉस्मेटिक शॉप पर, तो इन्हें आप अपने कॉस्मेटिक शॉप पर जरूर रखिएगा। उसके बाद में प्रिंटेड ब्रा आता है, जो कि वो भी सेम साइज़ रखना है आपको, और ब्रा सेट आता है, जो कि पैंटी और ब्रा सेट होता है, उसको भी आपको यही सेम साइज़ रखने हैं। उसके बाद कप ब्रा आता है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, उन्हें भी सेम साइज़ रखने हैं। पैंटी साइज़ आते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल और डबल एक्सल, इन साइज़ को अपने कॉस्मेटिक शॉप पर रखना है। बच्चों की पैंटी से आती है जो 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो कि मैंने रखी हुई है पैंटी, अगर आप चाहो तो बच्चों की पैंटी रख सकते हो, नहीं तो मत रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है मतलब। उसके बाद यहाँ पे टॉप्स आते हैं, टॉप्स की वैरायटी भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखा रखा है कि छोटे छोटे पत्ते आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा आपको टॉप्स के पत्ते का दिखा रखा है, सारा मतलब दिखा रखे हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों की चूड़ियाँ ले सकते हैं, बच्चों के हेयरबैंड्स वगैरह ले सकते हैं, बच्चों के ब्रेसलेट वगैरह ले सकते हैं, बच्चों की अंगूठियाँ वगैरह ले सकते हैं, कपल्स अंगूठी ले सकते हैं, बच्चों के पैंडल सेट ले सकते हैं, ये सारे मतलब बच्चों के ऊपर है यहाँ पे, तो आपके बच्चे के वैसे सामान सबसे ज़्यादा बिकता है, तो बच्चों का कॉस्मेटिक शॉप पे जरूर रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे जो कि कुछ मतलब जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले सामान होते हैं, वही मैंने आपको सारी लिस्ट बना रखी है, फालतू की लिस्ट मैंने नहीं दे रखी, जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं ये, तो इन्हीं को जाके रखिए अपने कॉस्मेटिक शॉप पे, तो शुरुआत से ही सेल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका कस्टमर हमेशा सामान लेके जाएगा, कोई भी मतलब खाली हाथ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कॉस्मेटिक की लिस्ट, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो इसका, नहीं तो आप लिख सकते हैं इसको, अपने कॉस्मेटिक शॉप पर जरूर रखिए। और अब साई सीज़न भी स्टार्ट होने वाले हों और फेस्टिवल भी एकदम स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़रूर अपनी कॉस्मेटिक शॉप खोलिए और अपना काफ़ी सामान भरिए, उसके बाद में अपना देखिए सेल कितना होता है आपका, तो काफ़ी पैसे कमाने वाले हैं, तो ज़रूर इस कॉस्मेटिक शॉप को लिख करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।